मीटिंग में आपने पहले ही बोला था अभी साइड में यहाँ से पूरी सोसाइटी को खाना खिलाना है, बाहर वालों को भी, रिक्शा रिक्शा जो भी मिले। Hey, good morning guys. So, आज 18th of October है। फ्राइडे है ना आज। वेनेस्डे हो गया आज। कल तो फ्राइडे था। कल फ्राइडे होगा। अब मैं जाऊंगा नहाने। बाहर सिनेमेटोग्राफर राहुल दिख रहा है मुझे। आज बढ़िया कैमरा की अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ रख रखे हैं सारे मस्त देखा जाएगा। सलमो कहाँ है मेरा 1 लीटर दूध? नहीं लाया तो मेरे डिकरे का इंजन ऑयल नहीं लाया। और मेरी एक प्रॉब्लम है, रोजाना मेरे पास ना 3-4 सेकर है। वो ना सब मैं उधर ऑफिस में रखता हूँ, मतलब एक यहाँ से लेके जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर दोबारा लेके जाता हूँ। क्या भाई, सारे ले जाने के बाद बचता क्या है? ऐसे न्यूज पेपर में प्रोटीन प्लेट की लेके जाओ। सीखूंगा धीरे धीरे। पता है जब से इसके 1500 रुपए चोरी हुए थे ना, चोरी क्या गिर गए पता नहीं, उसके बाद इसने पैसा रखना ही बंद कर दिया है। मैं गरीब हूँ साला, पर्स भी कोई चुरा के लेके जाए तो इसका एडवर्टाइजमेंट ही हो। गाइस बड़े बड़े पैकेट लेके हम चल दिए हैं भाई। मैं एक्साइटेड हूँ इनकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। देखो कैसे पिचकारी मार रखी है यार। बोलो सुबह केसरी। आज फिर से मेरा फास्टिंग है गाइस, तीसरा दिन, 9 दिन तक फास्टिंग करूंगा। भाई इतना महंगा सामान ले तो आए, दिखा तो दो क्या लाया इसके अंदर। अच्छा अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो करी नहीं गाइस। ये है बैटरी। अच्छा एक कैमरा बैग जो हमने जोर जबरदस्ती लिया है, वरना हमने जो कैमरा लिया उसके साथ आता ही नहीं है। अब देखो इसके अंदर लेंस, आप सोच रहे होगे भाई बॉक्स के अंदर क्यों नहीं आया। हमने लेंस खरीदा वो आएगा 2 दिन बाद, वो अभी स्टॉक में ही नहीं था, तो उन्होंने अल्टरनेट दिया है, जो वो स्टोर में यूज करते हैं वो वाला लेंस दिया है। भाई भर भर के दिए इन्होंने अखबार। ताजा खबर। सबसे पहले मिला है कैमरा का चार्जर, थोड़ा सा डिफरेंट केबल्स एंड स्टफ। हाँ टाइप सी, इसकी भी रीड राइट स्पीड बहुत कम है। और ये बैटरी जो कैमरा के साथ आई है। अब तीसरा सेक्शन खोलते हैं। मैं टीवी है छोटा सा। ओ भाई कैमरा ही निकल गया, मुझे लगा बड़े वाले सेक्शन में। प्रोडक्ट शूट है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई डॉक्यूमेंट तो इसके साथ आए हैं। ऐसे जितने की शॉपिंग है उसमें आराम से एक गाड़ी आ जाएगी। तो लोग खरीदते हैं गाड़ी 10-10, टेक इन्फ्लुएंसर खरीदते हैं कैमरा और अच्छी खासी गाड़ी टॉप मॉडल की। और अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी कैमरे से शूट नहीं हो रही, क्योंकि फोन से हो रही है। इसको अनबॉक्स किया है अभी। उल्टा लगा दिया, रुक जाइए। ओके डन। गाइस लड़का ना मुझसे दिन में कम से कम 4-5 चीजें तो 2 बार शूट करवाता ही करवाता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और वो भी लंबे लंबे शूट। हमारी एक इंटरनेशनल विजिट और बनने वाली है, अभी प्लानिंग चल रही है। पासपोर्ट का क्या हुआ? ठीक है लेट्स गो गाइस। ठीक है भाई नया कुकर निकाला है, वरना मम्मियां निकालती नहीं है इतना इजी। बोले कहते पहले पुराने को खराब करो। नहीं खराब करो, खराब कर दिया तो 2-3 दिन घर से निकालना पड़ जाएगा। आवाज ये बोलना प्रशांत भैया, जिस स्टूडियो छोड़ के आए कर रहे हो भाई? शूट था हमारा, एक स्पेशल शूट था, इसके लिए हमने ये किचन चुना। और आप भी शूट करना चाहो तो कट कर देना प्लीज। यार इसके एएनसी के सामने तो कुकर की सीटी भी सुनाई नहीं देती। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं। क्या सोते हुए जगा देता क्या? अरे हाँ। अरे मैं मम्मी और मैं लेटी भी, तो मम्मी तो इसलिए कह रही थी कि मतलब मैं भी अपना चैनल खोलूंगी इतनी विद किचन, मेरे को मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। गाइस हमने सिर्फ एक एएनसी के शूट के लिए आंटी को जगा दिया भाई सोते हुए, लेकिन सच में मजा आया यार। आंटी बहुत ही प्यारी है। आंटी ने नया कुकर निकाल के दे दिया, वरना मम्मियां ऐसी होती है जब तक वो पुरानी वाली चीज 20 साल हो जाने चाहिए जब तक वो टूटेगी नहीं तब तक नहीं निकलेगी नहीं। आज हम बहुत दिनों बाद स्पाइडी को ला रहे हैं वीडियो में, और ये स्पाइडी आज युवराज बनेगा। यार पहले वो बचपन में ज्यादा स्मार्ट दिखता था यार, मेरे को ना धीरे धीरे और ज्यादा बनना है। इसमें भी स्मार्ट हुआ करता यार। ये वाइपर नीचे नहीं गिरा भाई, वेट। दिखाओ लोगों को कि क्या नीचे नहीं गिरा। खड़ा है वाइपर। सफर सुहाना है गाइस, और हम सब जा रहे हैं एक वीडियो शूट के लिए। वीडियो कौन सी है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधा और चैनल पे देख सकेंगे वीडियो। रोज मेहनत करो, बस काम करते रहो, नाम करते रहो और इतना सो कि शाम हो जाए।
ऐसे देखो लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन दोपहर में सोने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। Thousand years later. युवराज, ये लोग बोल रहे थे कि ये युवराज की थाली है। भाई तू जब गायब होता है ना, सच में ऐसा लगता है 5-7 लोग नहीं है हमारे बीच। फिक्स करवा दो फ्राइडे को भंडारा, फिक्स पूरी सोसाइटी को खाना खिलाना है, बाहर वालों को भी, रिक्शा विक्शा जो भी मिले पकड़ के खिला दो। मैं तो बोलता हूँ कि वो घी भी ना उसकी जगह ना ओरिजिनली मंगवा लो, वो 8,000 में देसी घी का बना देंगे, तो एटलीस्ट खिला ही रहे तो कोई ढंग की चीज तो खिलाएं लोगों को। देसी घी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही लेके आना। अबे भाई भंडारा फ्राइडे को, इसी वाले को, अगले वाले को, इसी फ्राइडे को। क्या खा रहे हो भैया? मशरूम सब्जियाँ पता है सलमो मेरे को काट के देता है सारी सब्जियाँ, वैसे ऐसे उठा के ऐसे खा रहे हैं गोभी वोभी, वो खा के यहाँ पे पहुँचता हूँ, यहाँ यही इस पैटर्न में मिलता है। भाई चीनी समझ नहीं आ रहा, इधर अच्छा थोड़ी सी दाल मिली मुझे, थोड़ी अंदर की राज टूटी। ये किसकी प्लेट है जिसकी धोई नहीं है? धो दी है भाई भैया ने, बर्तन चमका दिए। ये जिसका ये कटोरी, हाँ ये किसका है भाई? मैंने तो अपना सब धो दिया मस्त एकदम। नहीं आया, वो नीचे गया था नहीं पे। रूल बढ़िया है यार ये। हाँ मतलब सही भी लगता है। जो बैचलर रहे हैं ना उनको पता होगा ये सारी चीजें तो नॉर्मल है उनके लिए। आप हॉस्टल में भी रहे हो ना भैया? वहाँ पे भी ऐसे ही करते थे। हॉस्टल में अपनी एक प्लेट धोनी होती है। हाँ। और कई में नहीं भी धोनी होती है, अलग अलग टाइप के थे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जिसने हॉस्टल लाइफ जी ली ना वो कहीं भी सरवाइव कर लेगा। नहीं नहीं, कहीं भी सरवाइव हॉस्टल लाइफ में नहीं होता, जिसने इंजीनियरिंग कर ली ना वो कहीं भी सरवाइव कर लेगा। ऐसा हॉस्टल लाइफ वाले तो फिर भी मात खा जाते हैं। अच्छा भाई कहाँ चले गए सारे? टाइम हो गया ना भाई, चले गए 7:50 बजने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजन अपलोड कर रहे हैं iPhone 15 Pro Max वर्सेस S23 Ultra। अभी मैंने व्लॉग अपलोड करा है। गाइस अगर तुम लोगों को जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो अपने नीचे या फिर अपने साथ में जो भी काम करते हैं उनसे पहले आओ, बाद में जाओ और दबा के काम करो, तभी सक्सेस होने का ये एक इकलौता मंत्र है। सच में इंप्रेस कर दो सबको अपने काम से, अपनी टाइमिंग से, अपनी पंक्चुअलिटी से, अपनी डिसिप्लिन से और अपने सुनहरे लुक से। आज निकल चुका हूँ जिम के लिए और आज मैं पक्का सोच के निकला हूँ भाई, आज मुझे रिकॉर्ड करना ही है जो मैं जिम करूंगा, पक्का 100%। भाई नवरात्रि की फुल वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल। सलमू ने स्कूटी कहाँ खड़ी करी होगी, आई डोंट नो। पहले चलते हैं स्कूटी ढूंढते हैं, उसके बाद जिम। गाइस चटाई बिछ चुकी है। अरे हमने वो मसाज वाला गैजेट मंगाया था ना, वैसा ही सीन है इसका। वाह बाजी बढ़िया है बाजी, नाखून काट के करते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। नाखून नहीं है वो, अभी देखो नाखून से क्या मजा आता है। ऐसा क्या और क्या? अभी साइड में आ गया। ए भाई ए वो बहुत सेंसिटिव है मामा, प्लीज। गाइस डमसलाट खेलने वाले थे, ये सो गया था। राहुल देखा नाटक? कल के ब्लॉग में नाटक देख रहा हूँ, मिलाऊंगा भाई। आज बनाएंगे टीम, हराएंगे सामने वाली टीम को 100%। चलो भाई कल का ना रिकॉर्ड नहीं हुआ था वरना पता चलता कि क्रिस 3। अगर क्रिस आ रहा है जैसे एग्जांपल के लिए, क्रिस समझाएगा पहले बैंड बाजा बारात को, कैसे समझाएगा बैंड बाजा एंड देन बारात, तीनों लगातार ऐसे फिक्स ही नहीं है कि कितने आने वाले, कुछ नहीं सीधा भाई। 3-2-1 टाइमर स्टार्ट। बहुत आसान है भाई, क्या कहता था काली नाक लपेट ले शहर इसे बता ले तो भाई छोड़ दे। 2000 years later एरिस हिंदी 3 वर्ड ईद मुबारक शक्तिमान शक्तिमान अल्लाह बोल मेरा भारत महान सलमान भाई।
चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया, जान गया जान गया जान गया जान गया, हो गया हो गया हो गया। आप भी मत करना डिस्टर्ब, हम भी कर रहे हैं। रॉक का नाम पता लगा, मूवी सर्च कर रहे हो रॉक की तो पता ही लग जाएगी जुमान जी। भाई मुझे नहीं पता था ये गेम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ये लोग खतरनाक तरीके से हार चुके हैं और ये जो बंदा बैठा है इसको तो मैं बोलूं कहीं भी दिखे ना, ये अपनी टीम में छोड़ो सामने वाले की टीम में भी मत रखना, सत्यानाश कर देगा काम का। और हम लोग जीत चुके हैं, कोई और गेम में है नहीं। तो चलो गुड नाइट, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय।